खिदमत देने वाले कवि और शायर जनाब भरतेंदु विमल साहब भी मौजूद हैं। भरतेंदु विमल साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश कर। एक ऐसे व्यक्ति को, इंसान को आपने बुलाया माइक पे, जिसकी जर्नी, जिसकी यात्रा, जिसका सफर कानपुर से शुरू हुआ। संस्कृत में एमए किया कानपुर से, हिंदी में लिखता हूँ पोएट्री और प्रोज दोनों, कविताएं और उपन्यास कहानियां। अंग्रेजी में 25 साल बीबीसी के साथ और वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो नौकरी की, अंग्रेजी में काम किया। लगाव उर्दू से हो गया तो अब थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि अगर गजल कहूँ तो उसके हिंदी में कहूँ तो अनुशासन डिसिप्लिन में रह करके कुछ कहूँ। छोटी छोटी दो गजलें हैं, छोटी गजलें। आज मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान, आज मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान, मेरी मंजिल पूछती है तेरी मंजिल। आज मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान, मेरी मंजिल पूछती है तेरी मंजिल है कहाँ। इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे, इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम, आप लेकर चल दिए हैं दूर इनका। इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम, आप लेकर चल दिए हैं दूर इनका आसमान। और फरमाइए का शेर है, रात भर जागा अब उनसे हो रही है गुफ्तगू, रात भर जागा अब उनसे हो रही है गुफ्तगू, अब परिंदे भी समझने लग गए मेरी जुबान, अब परिंदे भी समझने लग गए मेरी जुबान। शेर है, मरमरी सी बाँह शाखे गुल से कमतर तो नहीं, मरमरी सी बाँह शाखे गुल से कमतर तो नहीं, फर्क इतना है वहां कलियां नहीं होती। मरमरी सी बाँह शाखे गुल से कमतर तो नहीं, फर्क इतना है वहां कलियां नहीं होती। जवाब पता है, गर सितारे तोड़ कर लाने की होती शर्त तो, गर सितारे तोड़ कर लाने की होती शर्त तो, मांग भी लेते मगर वो मांगते हैं कैसा। अगर सितारे तोड़ कर लाने की होती शर्त तो, मान भी लेते मगर वो मांगते हैं। छोटी सी आसमां जैसा तो मेरा कद नहीं है, आसमां जैसा तो मेरा कद नहीं है, पर मेरी दीवानगी की हद। तो मेरा कद नहीं है पर मेरी दीवानगी की हद है। साहिलों में ही समुंदर कैद है पर, साहिलों में ही समुंदर कैद है पर, मौजे तूफान के लिए सरहद नहीं है। साहिलों में ही समुंदर कैद है पर, मौजे तूफान के लिए सरहद नहीं है। और बन गई मीनार मेरी जिंदगी की,
बन गई मीनार मेरी जिंदगी की, बस यही अफसोस है गुंबद नहीं है। बन गई मीनार मेरी जिंदगी की, बस यही अफसोस है गुंबद नहीं है। और जख्म खाकर मुस्कुराना आ गया है, जख्म खाकर मुस्कुराना आ गया है, दर्द का एहसास अब शायद नहीं है। मंजिलों की खोज में निकले हैं धारे, मंजिलों की खोज में निकले हैं धारे, साहिलों को काटना मकसद नहीं है। मंजिलों की खोज में निकले हैं धारे, साहिलों को काटना मकसद नहीं है। आसमां जैसा तो मेरा कद नहीं है, पर मेरी दीवानगी की हिंदी की एक बड़ी खास चीज, अगर के मैं आजाद नज्म पसंद नहीं करता, लेकिन मैं फरमाइश हमेशा किया करता हूँ जब ये मुशायरे में सुनाई। एक बानगी देखिए, मैंने कहा था आपको मैं हिंदी में मेहली लिखता हूँ, ये 50 साल पहले की पोएम है, और वो मतलब मुक्त समय जिसे बोलते हैं, ये 50 साल पहले भी जैसी है वैसी सही थी, और आज भी मेरा ख्याल है हालात ऐसे ही है दुनिया के जिसमें ये सही फिट बैठती। सांपों की पीठ पर पद्मासन लगाकर बैठे हैं बिच्छू विषैले, भूतों के चेहरों पर, यहां से शुरू होती है एक्चुअली, भूतों के चेहरों पर हस्ती चुड़ैले, सांपों की पीठ पर पद्मासन लगाकर बैठे हैं बिच्छू विषैले, और बरसाती नदिया की धार पर सवार क्षण भंगुर बुलबुलों में प्रतिबिंबित है पर्वतों के उपहास। थोड़ा सा समझा दे तो, बरसाती नदी बरसात भर की होती है फिर खत्म हो जाती है, उसके ऊपर बुलबुला एक पल का होता है, और जब वो सवारी कर रहा है पानी की और पहाड़ खड़े हैं तो बोलता है तुम वहीं के वहीं खड़े हो, देखो हम सवारी, जिसने पैदा किया पहाड़ों में नदी को उसका एक बुलबुला। तो बरसाती नदिया की धार पर सवार क्षण भंगुर बुलबुलों में प्रतिबिंबित है पर्वतों के उपहास, प्यासी है भूख और भूखी है प्यास, दोनों की स्पर्धा में कश्मकश, दोनों की स्पर्धा में हो गया तृप्ति मधुमास, और दर्दों की वीणा पर अटके हैं खुशियों के तार, दर्दों की वीणा पर अटके हैं खुशियों के तार, जोड़ तोड़ चलती है पल में सौभाग, क्या कहूं ये दृष्टि का परिवर्तन है या परिवर्तन की दृष्टि का, नजर बदल गई है, जमाना बदल गया जिसकी।